हेलो मेरे स्मार्ट दोस्तों, वर्षा की रसोई से आज मैं आपको बहुत शानदार टिप्स देने जा रही हूँ। जैसा कि बारिश का मौसम है तो बारिश में ज़्यादातर दालों में और सब हर चीज़ में खीरे और सेवियाँ बह जाती हैं, तो इसके लिए मैंने एक चीज़ दिमाग में आई। अगर आप सूजी, छोले, राजमा जो भी आपके पास चीज़ हो, फ्रिज में हम साइड से जहाँ पे बोतलें रखती हैं वहाँ पे हम इसको रखेंगे तो हमारी जगह भी कम होगी और हमारी चीज़ भी सुरक्षित रहेगी। जैसे कि मैंने ये बूंदी इस बोतल में डाल के रखी है तो मेरी जगह भी कम होगी और बूंदी भी इसमें सेफ है। और जैसे कि अभी हम कुछ चीज़ बना रहे हैं और उसमें पानी ज़्यादा पड़ जाता है तो वो उसमें फिर उस चीज़ को कैसे गाढ़ा बनाएं, तो मैंने क्या करके रखा है कि बेसन भून के रखती हूँ। इस तरह कढ़ाई में बेसन डाला और उसमें घी भी कुछ नहीं डाल के भून के मैं डिब्बी बंद करके कोई भी डिब्बी हो उसमें मैं डाल के ऐसे रख देती हूँ। फिर मैं जैसे कि ज़्यादा पतली है तो उसमें आधा चम्मच एक चम्मच बेसन डाल देती हूँ तो उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है और गाढ़ी भी हो जाती है। आप जैसे पनीर की सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं, पनीर की सब्जी में आप इसको डाल सकते हैं तो पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ज़्यादातर कढ़ाई पनीर में बेसन डाला जाता है। जैसे कि मैंने ये शक्कर पिस के रखी है, इस तरह शक्कर का पाउडर, जैसे कि हम चिकनजी बना रहे हैं या बच्चों को हम कह रहे हैं कि चिकनजी बना लो या दूध में बॉर्नविटा वगैरह बच्चे खुद बना के डालें तो उनको शक्कर खाएंगे, उनको पिघलाएंगे, घुमाएंगे, अच्छे ढंग से नहीं घुमा पाते, टाइम लगता है। तो इस तरह की आप कोई भी शीशी हो, बोतल हो, उसमें आप शक्कर को पाउडर बना के फ्रिज में रख दें और उस बच्चे अपने आप उनको एक बार बता देंगे कि इसमें आधा चम्मच लगेगा, एक चम्मच लगेगा, तो उसमें निकाल के और न फैलाएगा न कचरा होगा और फ्रिज में भी होगा और आपको भी आसानी, बच्चे को भी आसानी हो जाएगी। जैसा कि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है या आँखें लाल हो जाती हैं, तो उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, तो एक बढ़िया टिप्स बता रही मैं। खीरे को काट के उसके गोल करके और अपनी आँखों पर रख दी और एक कटोरी में थोड़ी सी बर्फ़ डाल के रख दी, फिर उस बर्फ़ में उस खीरे को डाल दिया और फिर आँखों पर ऐसे रखते जाए तो वो जैसे ही आँखों पर रखेंगे तो बर्फ़ से वो ठंडी ठंडी हो जाएंगी और आँखें भी बहुत अंदर से रिलैक्स महसूस होगा आपको। जैसे कि उसमें आप आलू, खीरा नहीं है तो आलू को भी ऐसे गोल करके उसको आँखों पे रखेंगे और कटोरी में वो बर्फ़ रखते हैं उसमें डाल के उसको दो तीन बार करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। जैसे कि जेल, एलोवेरा जेल है, इसको आप निकाल के और अपने बालों पर लगाएंगे तो आपके बाल इतने चमकीले हो जाएंगे और फूले फूले रहेंगे। नींबू लगाएंगे उससे भी कंडीशनर आता है बालों में। इस तरह से, धन्यवाद।